Dear students of class 10th, today we will discuss one of the question of same exercise 5.2 of same chapter arithmetic progression from your textbook. Dear students of 10th class, इससे पहले कि हम आज का class शुरू करें, इस channel को subscribe जरूर कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाए और वीडियोस अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लेना, वो भी इन वीडियोस से कुछ सीख सके. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 5.2. क्वेश्चन इज हियर, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर रेस्पेक्टिवली 4 एंड माइनस 8. थर्ड टर्म क्यों है? दैट इज इक्वल, थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 8. देन विच टर्म ऑफ एन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0. ये हमें दिखाना है कि कौन सी टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसका वैल्यू 0 होगा. ये हमें शो करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन. वी हैव गिवन हियर थर्ड टर्म, वी हैव थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म of an AP are 4 and minus 8. ये हमारे पास given है respectively. Consider A1, A2, so on up to A3, so on. B the given arithmetic progression. Therefore, A3 is here. किसके बराबर है third term? Third term is here 4 and ninth term, that is A9, is equal to minus 8. Dear students, आप जानते ही है An किसके बराबर होता है? That is equal to A plus N minus 1 into D. ये हमारे पास n term ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. यहां पे आप देख रहे हैं, वी हैव थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4, बट A3 इज इक्वल टू, यूजिंग दिस n इज इक्वल टू 3, वी गेट हियर A3 इज इक्वल टू, A इज फर्स्ट टर्म प्लस n इज हियर 3, D इज हियर कॉमन डिफरेंस. दैट इज A3 के बदले हमारे पास होगा, दैट इज A प्लस 3 minus 1 into D, which is equal to 4. Same is here, we have A9, N is equal to 9, we get here, and A9, that is A plus 9 minus 1 into D, ये हमारे पास होगा, which is equal to here minus 8. Now, that is, simplify this, it is A plus 2D is equal to 4. एंड यहां पे मिलेगा a प्लस 8 डी, इट इज इक्वल टू माइनस 8. वी हैव, वी गेट हियर टू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड d, वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d. टेकिंग दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये हम कर लेंगे यहां पर. We get, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यूज होंगे उनके साइन्स चेंज होंगे, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, देन वी ऐड माइनस ए एंड ए विल गो कैंसल होगा, ए डी में से 2d चला जाएगा, वी गेट हियर 6d, इट इज इक्वल टू, वी हैव हियर माइनस 8, वी हैव हियर माइनस 4, इट बिकम्स माइनस 12. और d इज इक्वल टू, d हमारे पास होगा माइनस 12 डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल टू माइनस 2, वी गेट हियर d इज इक्वल टू माइनस 2, d हमारे पास आ गया.
Now we substitute value of d either in first or in second, जिसमें आप चाहे उसमें आप इस d का वैल्यू डाल सकते हैं. Therefore from first हम ले रहे हैं, we have first से क्या मिलेगा, that is a plus 2d है, 2d d का वैल्यू हमारे पास है minus 2, it is equal to 4 और a it becomes minus 4 is equal to 4, that is a is equal to ये राइट साइड में जाएगा, इट बिकम्स 8. तब जाके हमारे पास फर्स्ट टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 8 है. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है. वी हैव टू फाइंड नाउ कौन सी टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जिसका वैल्यू हमारे पास 0 है. उसको करने के लिए हम यहां पे यही हम यूज कर लेंगे, वी टेक हियर a n as 0, a n as 0, taking a n as 0, हम a n को ही मान ले, इट इज इक्वल टू 0, बट a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इंप्लाइज अस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इट इज इक्वल टू 0. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, दैट इज वी गेट हियर a इज हियर 8 प्लस n माइनस 1 into d, d is here minus 2 is equal to 0. Simplify this or it right side mein jayega, it becomes n minus 1 into minus 2, it is equal to minus 8, or n minus 1 minus 2 divide mein jayega, it becomes minus 8 divided by minus 2, minus minus will go, we get here 2 4s are 8 2 4s are, we have here n minus 1 equal to 4, this implies us n is equal to माइनस वन राइट साइड में जाएगा, इट बिकम्स प्लस, इट बिकम्स प्लस, दैट इज 4 + 1, वी हैव हियर एन इज इक्वल टू 5. हमारे पास यहां पे एन का वैल्यू 5 आ गया. ये एन का वैल्यू हमें यही हमें बता रहा है कि इस गिवन अरिथमेटिक में जो फिफ्थ टर्म है एन इक्वल टू 5 हूज वैल्यू इज 0. देयरफॉर तब जाके हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म है, देयर फोर ए 5 इज इक्वल टू 0 इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.